नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करें बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न जहां से बनता है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी इस प्रश्न को पूछा गया और आरपीसी स्पेशली एक प्रश्न यहां से ज़रूर पूछती है। बात करेंगे सीएम अशोक गहलोत जो भी चर्चा में हैं और रहेंगे, आगे प्रश्न बनने की संभावना पूरी तरीके से है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल से। तो जो ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल या किसी मुख्यमंत्री के, ज़्यादातर जो का बताते हैं वो आपके भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत के जो टाइम पीरियड के बीच में जो एक तो मुख्य सचिव और एक राज्यपाल का प्रश्न जरूर पूछा जाता है, क्योंकि पता है अशोक गहलोत का कार्यकाल 3 टर्म रह चुका है, इस बार नहीं जीत पाए। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बने थे वो बने थे 1 दिसंबर 1998 को और 8 दिसंबर 2003 तक ये रहे थे। उसके बीच में सबसे पहले बात करें कौन कौन से मुख्य सचिव रहे। मुख्य सचिव रहे आपके अरुण कुमार पहले, यानी 1 जनवरी 1998 से 31 दिसंबर 1999 तक रहे। उसके बाद आए इंद्रजीत खन्ना, 1 जनवरी 2000 से लेकर 26 दिसंबर 2002 तक रहे। ठीक है, उसके बाद आए आर के नैयर, ये 26 दिसंबर 2002 से 28 फरवरी 2005 तक रहे। यानी कि मुख्य सचिव का पूछा जाएगा तो आपके अशोक गहलोत के कार्यकाल में अरुण कुमार, अरुण इंद्र नैयर, याद रखना अरुण इंद्र नैयर। पहला कार्यकाल किस किस ने समाप्त करवाया मुख्य सचिव ने? अरुण इंद्र नैयर ने। ठीक है, अरुण इंद्र ने से नैयर, अरुण इंद्र। ठीक, अरुण इंद्र पहला कार्यकाल याद रखना मुख्य सचिव का। फिर राज्यपाल की बात करें इनके कार्यकाल में, तो राज्यपाल को देखा जाए तो राज्यपाल में बात करें सबसे पहले एनएल टिबेरवाल, ये कार्य प्रभार था इनके पास जिनका निधन हो चुका है। ठीक है, ये इसलिए चर्चा में है, आ सकता है। ठीक है ना, हाल ही में इनका निधन हुआ है, एनएल टिबेरवाल। ठीक है, प्रभार 24 मई 1998 से लेकर 15 जनवरी 1999 तक पहला टाइम पीरियड। उसके बाद अंशुमान सिंह, ये जस्टिस थे, 16 जनवरी 1999 से 13 मई 2003 तक रहे। उसके बाद बात करें निर्मल चंद जैन, 14 मई 2003 से लेकर 22 सितंबर 2003 तक रहे। उसके बाद कैलाशपति मिश्र, इनके पास भी कार्य प्रभार था। ठीक है ना, 22 सितंबर 2003 से 13 जनवरी 2004 तक रहे। तो कुल मिला के फर्स्ट जो टर्म था इनका अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री का, उसमें एनएल टिबेरवाल, अंशुमान सिंह, निर्मल चंद जैन, कैलाशपति मिश्र, ये याद नाम याद रखना। ठीक है, फिर अगले टर्म की बात करें, अगले टर्म सेकंड टर्म देखें अशोक गहलोत का, तो सेकंड टर्म में अशोक गहलोत बने आपके 13 दिसंबर 2008 को और 13 दिसंबर 2013 तक ये रहे। ठीक है, तो बात करें इनके मुख्य सचिव में, तो सबसे पहले डीसी सामंत सेकंड टाइम पर याद रखिएगा, 30 जून 2007 से लेकर 27 फरवरी 2009 तक। और उसके बाद श्रीमती कुशल सिंह प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी थी, याद रखिएगा, ये 27 फरवरी 2009 से लेकर 31 अक्टूबर 2009 तक रही। उसके बाद टी श्रीनिवासन 1 नवंबर 2009 से लेकर 31 अगस्त 2010 तक रही। उसके बाद सालुद्दीन अहमद जो बने, ये 31 अगस्त 2010 से लेकर 28 फरवरी 2012 तक रहे। फिर सी के मैथो बने, ये 30 फरवरी 2012 से लेकर 13 दिसंबर 2013 तक रहे, ये याद रखिएगा। तो इन पे अगर बात करें मुख्य सचिवों की, तो डीसी सामंत सेकंड पीरियड में बात करें कुशल सिंह, ठीक है, और टी श्रीनिवासन और सालुद्दीन अहमद, सी के मैथो, यानी खूब मुख्य सचिव यहाँ चेंज हुए। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में। तो फिर राज्यपाल की बात करें, तो राज्यपाल में बात करें तो टर्म में इस बार भी खूब राज्यपाल इस दौरान आपको चेंज मिलेंगे। ठीक है, बात करें राज्यपाल की, शैलेंद्र कुमार सिंह याद रखिएगा, सितंबर 2007 से लेकर 9 जुलाई 2009 तक रहे थे। फिर बात करें रामेश्वर ठाकुर, इनके पास प्रभार था, इन 10 जुलाई 2009 से लेकर 22 जुलाई 2009 तक रहे। फिर शैलेंद्र कुमार सिंह सेकेंड बार, ठीक है, पहले तो इनके पास फिर शैलेंद्र कुमार सिंह सेकेंड बार, जब बात करें 23 जुलाई 2009 से 1 दिसंबर 2009। ठीक, उसके बाद प्रभा राव की बात करें, इनके पास प्रभार था पहले 3 दिसंबर 2009 से लेकर 24 जनवरी 2010 तक रहे। उसके बाद प्रभा राव जी जो है, इस पहले प्रभार था उसके बाद बन गए। ठीक है, तो बात करें 25 जनवरी 2010 से लेकर 26 अप्रैल 2010 तक रहे। ठीक है, उसके बाद शिवराज पाटिल 28 अप्रैल 2010 से लेकर 11 मई 2012 तक रहे। उसके बाद बात करें मार्केट अलवा की, तो मार्केट अलवा रहे 12 मई 2012 से लेकर 7 अगस्त 2014 तक रहे। यानी कि बात करें, यानी कि देखें तो राज्यपाल के क्रम में अशोक गहलोत के सेकंड टर्म में देखें शैलेंद्र कुमार सिंह, रामेश्वर ठाकुर,
ठीक है, शैलेंद्र कुमार, फिर प्रभा राव हो गए, फिर शिवराज पाटिल और मार्गरेट आल्वा, इनका टाइम पीरियड था। क्योंकि मिलान में अक्सर पूछा जाता है, ये प्रश्न आता ही आता है। फिर अभी अभी के हाल ही का जो टर्म था, यानी कि तीसरे टर्म की बात करें, तीसरे कार्यकाल के अशोक गहलोत की बात करें मुख्यमंत्री के तौर पर, तो तीसरे कार्यकाल शुरू होता है 17 दिसंबर 2018 से लेकर 3 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, 3 दिसंबर को रिजल्ट आ चुका था, ठीक है, 3 दिसंबर को रिजल्ट आ गया था, ठीक है। और ये 15 दिसंबर तक, जैसे कि जब तक सीएम ने शपथ नहीं ली तब तक ये 15 दिसंबर तक कार्य प्रभार सीएम रहे, ठीक है। मुख्य सचिव की बात कर रहे हैं तो मुख्य सचिव इनके बीच में तीसरे कार्यकाल में डीबी गुप्ता 30 अप्रैल 2018 से लेकर 2 जुलाई 2020 तक रहे, ठीक है। उसके बाद राजीव स्वरूप आए सबसे कम समय के, ठीक है, राजीव स्वरूप याद रखिएगा, अभी हाल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2 जुलाई 2020 से लेकर 31 अक्टूबर 2020 तक रहे ये। उसके बाद निरंजन जी आर्य पहले एससी कैटेगरी से आते हैं, 1 नवंबर 2020 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक रहे। उसके बाद उषा जी शर्मा दूसरी महिला, पहली कुशल, याद रखना पहले टाइम पीरियड में, ठीक है ना। देखिए पहले कुशल जी बने, ठीक है ना, पहले कुशल जी बने, याद रखिएगा। कुशल दूसरे कार्यकाल में जो कुशल बने थे, ठीक है, महिला कुशल सिंह, और तीसरे कार्यकाल में उषा शर्मा जी बने, ठीक है, दूसरे महिला मुख्य सचिव, 31 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद बात कर राज्यपाल की, तो ये सबसे आसान है, ये तीसरे कार्यकाल जिसे आज याद होगा आपको, तीसरे कार्यकाल में कल्याण सिंह जी 4 सितंबर 2014 से 9 सितंबर 2019 तक रहे थे, ठीक है। उसके बाद आपके कलराज मिश्र जी हैं, 19 सितंबर 2019 से अब तक कलराज मिश्र जी हैं, ठीक है। तो तीसरे टाइम पीरियड में ज़्यादा होगी नहीं राज्यपाल की, ठीक है। सेकेंड पीरियड जो है, और सेकेंड पीरियड से ज़्यादा प्रश्न आते हैं उसमें थोड़ा ज़रूर है। आपको जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा, यहाँ से आपके प्रश्न डेफिनेटली कोई ना कोई पढ़ने वाला है जरूर, ये याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।